अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टोरेज हार्डवेयर के टॉपिक को स्टार्ट किया था। स्टोरेज हार्डवेयर पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मैग्नेटिक स्टोरेज और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर फ्लॉपी डिस्क को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम मैग्नेटिक स्टोरेज की दूसरी डिवाइसेस यानी हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि इसके जरिए हम बहुत बड़ी तादाद में डाटा को इसके अंदर महफूज करा सकते हैं। आइए हम हार्ड डिस्क के मेन कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले है प्लेटर। ये 7 सर्कुलर सरफेसेस से मिलकर बनता है, यानी आपकी हार्ड डिस्क को इस तरीके की राउंड शक्ल की सरफेसेस में तोड़ा जाता है, जो कि प्लेटर्स कहलाती हैं। प्लेटर्स एल्युमिनियम, ग्लास और सिरेमिक से मिलकर बनता है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक सरफेस यानी मैग्नेट की कोटिंग हुई भी होती है। दोस्तों, इसके जरिए डाटा को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए आपकी डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है। जितने ज्यादा प्लेटर्स एक हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद होंगे, उतनी ही ज्यादा बिट्स को आपकी हार्ड डिस्क अपने अंदर महफूज कर सकती है। इसके बाद है स्पिंडल। स्पिंडल एक मेटल की रॉड होती है, यानी एक मेटल की डंडी होती है, जिसको घुमाया जाता है। इसके साथ जुड़े होते हैं तमाम प्लेटर्स। जब ये डंडी घूमती है, तो इसके साथ जुड़े हुए तमाम प्लेटर्स भी रोटेट करते हैं। जितनी तेजी के साथ आपकी स्पिंडल रोटेट करेगी, घूमेगी, उतनी ही तेजी के साथ डाटा आपकी इस डिस्क पर रीड और राइट किया जा सकता है। इसको नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो है रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर आपकी स्पिंडल कितनी रोटेशंस को कंप्लीट करती है। इससे इस बात का तयन किया जाता है कि हाउ फास्ट यानी कितना ज्यादा डाटा, कितनी तेजी के साथ डाटा आपकी इस डिस्क के ऊपर महफूज किया जा सकता है। इसके बाद हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स में तीसरा कंपोनेंट है रीड राइट आर्म। दोस्तों, हार्ड डिस्क के अंदर एक रीड राइट आर्म मौजूद होता है, जो कि आपके रीड राइट हेड को होल्ड करके रखता है, पकड़ कर रखता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये आपके रीड राइट हेड को प्लेटर्स के ऊपर सेंटर और एजेस यानी इस तरफ और इस तरफ मूव कराने की सलाहियत रखता है, और जिस भी ट्रैक के ऊपर इंफॉर्मेशन को रीड और राइट कराना होता है, ये आपके रीड राइट हेड को उस जगह तक पहुंचाता है। दोस्तों, इसके बाद है ट्रैक्स। हम ये जानते हैं कि तमाम डिस्क जिस तरीके से फ्लॉपी डिस्क ट्रैक्स पर मुश्तमिल होती थी, बिल्कुल इसी तरीके से हार्ड डिस्क के ऊपर भी इस तरह के सर्कल्स मौजूद होते हैं, जो कि ट्रैक्स कहलाते हैं। इन सर्कल्स को जब पाई शेप के अंदर तोड़ा जाता है, तो ये सेक्टर्स कहलाते हैं। दोस्तों, सेक्टर्स के ऊपर बिट्स को स्टोर किया जाता है, और मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर हार्ड डिस्क के अंदर भी ट्रैक्स और सेक्टर्स की तादाद तब्दील होती रहती है। इसके बाद है दोस्तों, अगर हम एक सेक्टर को एक्सपेंड करें यानी एक सेक्टर को तोड़ें, तो वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। हेडर, जिसके अंदर आपके ट्रैक्स के अंदर मौजूद सेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, यानी आपके ट्रैक 9 के अंदर सेक्टर 18 में ये डाटा मौजूद है। दूसरा पैरामीटर होता है इसका डाटा, यानी इसके अंदर यानी आपके सेक्टर के अंदर कितनी बिट्स मौजूद है, वो इस पैरामीटर के अंदर सेव की जाती है। और उसके बाद है ट्रेलर, यानी अगर आपके डाटा के अंदर कोई एरर है, तो वो ट्रेलर के जरिए चेक किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद है सिलेंडर। डिस्क के ऊपर मौजूद डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लू शेप के अंदर एक सिलेंडर है, जिसके अंदर प्लेटर्स भी मौजूद हैं, ट्रैक्स भी मौजूद हैं और सेक्टर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, तमाम प्लेटर्स एक वक्त में एक ही ट्रैक को रोटेट करवा रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं। अगर प्लेटर 0 के ऊपर ट्रैक 12 चल रहा है, तो प्लेटर 1 और प्लेटर 2 दोनों पर ट्रैक 12 ही रोटेट हो रहा होगा, यानी ट्रैक 12 के ऊपर डाटा रीड और राइट किया जा रहा होगा। जब हम इन प्लेटर्स को ऊपर की जानिब से देखेंगे,
तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त this पर, क्योंकि तमाम प्लेटर्स पर ट्रैक 12 चल रहा है, तो इस वक्त this पर सिलेंडर 12 के ऊपर रीड और राइट किया जा रहा है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क के ऊपर कितनी बिट्स को स्टोर किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी को नापने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है आपकी डिस्क के ऊपर मौजूद सिलेंडर्स की तादाद कितनी है। दोस्तों ये बराबर होती है टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन टू द डिस्क, यानी अगर हमारे प्लेटर जीरो के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स 12 है, प्लेटर वन के ऊपर भी ट्रैक 12 है, यानी टोटल ट्रैक्स की तादाद 12 है, और प्लेटर 2 के ऊपर भी ट्रैक्स की तादाद 12 है, तो आपकी एक डिस्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स होंगे 12 + 12 + 12 यानी 36। इसके बाद आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक सिलेंडर के अंदर कितने ट्रैक्स मौजूद हैं। दोस्तों आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद प्लेटर दो साइड्स पर मौजूद होता है, यानी दोनों साइड्स के ऊपर इसके ट्रैक्स मौजूद होते हैं। दोनों साइड्स की वजह से इसके अंदर दो तरफा यानी दोनों तरफ री डेड हेड मौजूद होते हैं। अगर तीन प्लेटर्स मौजूद है तो टोटल नंबर ऑफ री डेड हेड होगी 3 × 2, यानी तीन प्लेटर्स के अंदर 6 री डेड हेड्स मौजूद होंगे, और टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स की तादाद है 36। जब इन 36 सिलेंडर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 री डेड हेड से, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स आपके सिलेंडर्स के अंदर होगा 216। इसके बाद है सेक्टर्स, यानी एक ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर्स मौजूद है, जो कि मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर चेंज होते हैं, और इसके बाद है कि एक सेक्टर के अंदर कितने बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता है। इन तमाम चीजों के जरिए आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी का अंदाजा लगाया जाता है। इसके बाद जिन चीजों से आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी या फिर उसकी स्पीड का तयन किया जाता है वो है सीक टाइम। दोस्तों हेड जो होता है वो सबसे पहले इस जगह पर लाया जाता है, तो आपका हेड यानी रीड राइट हेड को आर्म कितनी तेजी के साथ आपके डिजायर्ड ट्रैक पर लेकर जाता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल आपका रीड राइट हेड इस जगह पर मौजूद है और इस ट्रैक के ऊपर डाटा को रीड और राइट कराना है, तो रीड राइट हेड को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो सीक टाइम कहलाता है। इसके बाद है लोड टाइम, यानी अगर ये तो पहुंच गया आपका रीड राइट हेड ट्रैक के ऊपर, क्योंकि ट्रैक के ऊपर मौजूद सेक्टर के अंदर डाटा को लोड कराया जाता है, तो अगर यहाँ पर आपका ट्रैक मौजूद है इस सेक्टर के ऊपर मौजूद है और डाटा को इस सेक्टर के ऊपर लोड कराना है, तो दोस्तों यहाँ से आने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में, क्योंकि डिस्क रोटेट कर रही होती है घूम रही होती है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये लोड टाइम कहलाता है। दोस्तों इन दोनों टाइम्स को जब मिलाते हैं तो ये डिस्क का एक्सेस टाइम कहलाता है, यानी कितने टाइम के अंदर आपकी डिस्क डाटा को सही ट्रैक के ऊपर मौजूद सेक्टर के ऊपर डाटा को राइट करती है। इसके बाद है ट्रांसफर टाइम, यानी अब आपका रीड हेड इस सेक्टर पर मौजूद है, अब कितनी तेजी के साथ वो बिट्स को इस सेक्टर पर मुंतकिल करता है ये ट्रांसफर टाइम कहलाता है। ये तमाम चीजों की वजह से आपकी डिस्क की कैपेसिटी और उसकी स्पीड का तयन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद है तीसरी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप। दोस्तों आपने इस तरीके की कैसेट्स को देखा होगा जिसको हम टेप रिकॉर्डर में डालकर गाने सुना करते थे, ये कैसेट्स मैग्नेटिक टेप्स कहलाती थी। इनके अंदर एक पतली प्लास्टिक की रिबन मौजूद होती है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेट मटेरियल की कोडिंग की जाती है, इसके जरिए डाटा इसके ऊपर महफूज किया जाता है। दोस्तों इसको आम तौर पर बैकअप्स यानी डाटा की कॉपी करने के लिए और म्यूजिक्स वगैरह को इसके अंदर महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये ना सिर्फ साइज में छोटी होती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा सस्ती भी होती हैं, लेकिन इनका एक बड़ा नुकसान ये है कि इनकी स्पीड सिक्वेंशियल एक्सेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो होती है। दोस्तों सिक्वेंशियल एक्सेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं कि मैग्नेटिक टेप किस तरीके से काम करता है। दोस्तों ये एक सर्कुलर डिस्क होती है
इस तरीके की एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसके ऊपर इस थिन प्लास्टिक रिबन को रैप किया जाता है, जिसको रील कहा जाता है, यानी इसके ऊपर लपेटा जाता है। इसके अंदर तीन तरह के हेड्स मौजूद होते हैं, यानी रील को तीन तरह के हेड से गुजर कर दूसरी रील के ऊपर लपेटना होता है। सबसे पहले है इरेज हेड। रील के अंदर मौजूद डाटा, अगर पहले से कोई डाटा मौजूद है तो इरेज हेड के नीचे से गुजरने के बाद ये डाटा इसके ऊपर से मिट जाएगा। उसके बाद है रिकॉर्ड हेड। रिकॉर्ड हेड के जरिए रील के ऊपर डाटा को राइट किया जाता है, डाटा को डाला जाता है। और प्ले हेड के जरिए रील पर मौजूद पहले से रिकॉर्डेड डाटा को रीड किया जाता है, यानी सुना जाता है। यानी अगर कोई सॉन्ग है तो इस रिकॉर्ड हेड के जरिए उस सॉन्ग को इस रील के अंदर डाला जाएगा और प्ले हेड के जरिए उस सॉन्ग को इस रील के ऊपर से सुना जाएगा। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि ये इस किस तरीके से इंटरनली काम करता है। इसके अंदर एक रिंग नुमा एक मेटल का रिंग मौजूद होता है जिसके ऊपर एक वायर की कॉइल मौजूद होती है। इस वायर की कॉइल को जब करंट दिया जाता है, इसके अंदर एक टेप मौजूद होता है यानी रील मौजूद होती है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोडिंग हुई होती है। जैसे ही ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये टेप इस रिंग के नीचे से गुजरती है और इस रिंग को जब करंट दिया जाता है तो ये रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और इस करंट से आने वाले सिग्नल्स को वन और जीरोस की शक्ल में, यानी नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ट करने के बाद वन और जीरोस की शक्ल में इस टेप के ऊपर डाल देता है, इस टेप के ऊपर राइट कर देता है। दोस्तों ये पूरा तरीकेकार था मैग्नेटिक टेप की वर्किंग का। आइए हम जानते हैं कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क के अंदर क्या मेन डिफरेंस है। मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल अब ना होने के बराबर हो गया है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क को अब हर कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी के अंदर डाटा को अपने अंदर महफूज करने की सलाहियत होती है। दोस्तों मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक की थिन रिबन से मिलकर बनती है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क प्लेटर्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर रैंडम एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस, आइए हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपके पास एक कैसेट मौजूद है जिसके अंदर आप ट्रैक नंबर 4 यानी साउंड नंबर 4 को सुनना चाहते हैं, तो आप अगर मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ट्रैक नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और इसके बाद ही आप ट्रैक नंबर 4 पर जा सकते हैं। यानी लाइन बाय लाइन हर ट्रैक से गुजरते हुए ही आप अपने डिजायर्ड ट्रैक यानी जिस ट्रैक के ऊपर आपको जाना है आप उस पर जा सकते हैं। इसको इसीलिए सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक के बाद एक ट्रैक से गुजरते हुए अपने डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर जाया जाता है, जबकि रैंडम एक्सेस के अंदर आप डायरेक्टली अपने डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर जा सकते हैं। यानी जिस तरीके से हार्ड डिस्क के अंदर रीड राइट हेड मौजूद होता है, उस रीड राइट हेड को आर्म के जरिए डायरेक्टली ट्रैक नंबर 4 के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसके जरिए वो डाटा को एक्सेस कर लेता है। दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस की वजह से मैग्नेटिक टेप की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है और रैंडम एक्सेस की वजह से हार्ड डिस्क की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों हार्ड डिस्क का एक बड़ा नुकसान ये है कि इसके अंदर अगर ये रीड राइट हेड और हार्ड डिस्क के अंदर एक छोटा सा एक गैप होता है, क्योंकि अगर ये गैप ना हो और अगर हार्ड डिस्क के ऊपर मौजूद ये रीड राइट हेड आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर टकरा जाए, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत तेजी के साथ मूव कर रही होती है और अगर तेजी के साथ मूव करते हुए ये हार्ड डिस्क के ऊपर टकरा जाए तो आपकी हार्ड डिस्क को खराब कर सकता है। दोस्तों ये थी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यहां तक हमने जाना है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, उनके क्या नुकसान और फायदे हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम सेकेंडरी स्टोरेज की दूसरी टाइप ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।